नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। आज शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। जानेंगे कि कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। आने वाला कारोबारी सप्ताह कम्युनिटी बाजार के लिए कैसा रह सकता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सोना आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1,929 पर है और चांदी $24.60 पर। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही सुस्ती के साथ, नरमी के साथ ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। जानकारों के भी अनुसार सोने चांदी में अभी ये जो सीमित दायरा है ये अभी ऐसी बना रह सकता है। सोने चांदी में ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो सोने चांदी का जो वायदा बाजार है वो अभी एक सीमित दायरे में कारोबार करता नज़र आ रहा है। सबसे पहली बात है कि डॉलर का तेज हो जाना। अमेरिका में महंगाई दर ज़्यादा बढ़ रही है, जो US का डेटा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिली है और डॉलर में तेज़ी। तो इस सिचुएशन के बीच आज सोने चांदी की चाल क्या रह सकती है और अगले कारोबारी सप्ताह सोना चांदी कैसा ट्रेड करता नज़र आ सकता है, जान लेते हैं रूपा जी से। बहुत बहुत स्वागत है रूपा जी आपका मार्केट टाइम सीरीज पर। रूपा जी, देख रहे हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी कम्युनिटी बाजार के देख रहे हैं कि सोने चांदी में एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह भी सोने चांदी के लिए ऐसी सीमित दायरे वाला सुस्ती बना हुआ रह सकता है? देखिए, बिल्कुल अभी थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बना रह सकता है और कंटिन्यूशन में रह सकता है, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर लगातार हमने दबाव देखा और बाजार एक रेंज में फिलहाल ट्रेड करता हुआ देखा। आप देखेंगे कल से लेकर अब तक हमने देखा है कि 1920 से लेकर 1930 के बीच में ही फिलहाल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक मार्केट में भी कोई बहुत ज्यादा उठापटक नहीं है, तो मुझे लगता है कि अभी बाजार जो है एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। और फिलहाल सोने के अंदर जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो बिकवाली का है, तो छुटमुट गिरावट के लिए इसमें बिकवाली करके चला जा सकता है। नीचे में आप मान के चलिए कि 51,600 तक गोल्ड निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो देख रहे हैं कि WTI $95 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 पर। रूपा जी देख रहे हैं कच्चे तेल में तो और ज़्यादा नरमी बन चुकी है कल के मुकाबले, आपको क्या लगता है, क्या अब ब्रेंट क्रूड भी $100 के नीचे जा सकता है? चौक जो ऑयल प्राइसेस इसलिए नीचे गिरे हैं क्योंकि काफी जो कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं वहां पर उनको 240 मिलियन बैरल के आसपास ऑयल जो है वो रिलीज किया गया है रिजर्व में से, तो मुझे लगता है कि उसी का ही इम्पैक्ट जो है वो अभी देखने को मिला है, क्योंकि जो भी रिजर्व थे उनमें से अब स्टॉक आउट किया जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्लाई मार्केट में अवेलेबल हो रही है, इसकी वजह से ऊपरी स्तरों पर दबाव बना है। और अभी भी आप मान के चलिए नीचे में क्रूड जो है $90 तक आ सकता है और ब्रेंट भी नीचे में 98 से 96 डॉलर तक आज इंट्राडे में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यही से रूपा जी आपको क्या लगता है, आने वाले कारोबारी सप्ताह में कच्चा तेल कैसा कारोबार करता नजर आ सकता है? क्या कच्चा तेल मंदा होना भारत के लिए पॉजिटिव न्यूज रहेगी पेट्रोल डीजल की कीमतों को देखते हुए? देखिए, अभी कच्चे तेल में प्रेशर जो है वो बिल्कुल अगर ऐसे ही बना रहेगा तो जरूर पेट्रोल डीजल की कीमतों में छुटमुट गिरावट आ सकती है, लेकिन फिलहाल बहुत गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। और कच्चा तेल यहाँ से अभी लग रहा है कि एक बार $90 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, तो मुझे लगता है कि अभी $90 अगर ब्रेक करेगा तब जाके नीचे में $85 तक जो है बाजार सस्टेन का दिखाई देगा, अदरवाइज 90 से लेकर 100-110 डॉलर के बीच में फिलहाल ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, हम देखते हैं कि जब भी कुछ आपदा आती है, जैसे कि इस बार रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिसकी वजह से हमने क्रूड ऑयल को $139 पर पीक पर भी जाते हुए देखा, हम देखते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट्स कभी नेगेटिव बन जाते हैं तो कभी पॉजिटिव। लेकिन जिस हिसाब से अभी IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और अमेरिका हो गया, यूरोपीय देश हो गए, इन सब के द्वारा ऐसे बयान आ रहे हैं कि ये सब अपने क्रूड के रिजर्व से स्ट्रेटेजिक रिजर्व जारी करेंगे मार्केट में, लेकिन ये जो रिजर्व जारी होगा क्या ये इनफ होगा खपत कंजप्शन को देखते हुए जिस हिसाब से डिमांड है? देखिए, अभी जो जो सिनेरियो है और अभी जिस तरीके के अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, अभी के लिए फिलहाल जो सप्लाई पहले कम थी
उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है, और अगर सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग आ जाती है तो फिर प्राइजेस जो है वो सस्टेन करते हुए आपको दिखाई देंगे, और अगर आगे चलकर नहीं होता है ऐसा तो फिर वापस से क्रूड में बूस्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो सारा जो है डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट में कितना सप्लाई आ रहा है और कितना डिमांड है, उसको मीट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके ऊपर प्राइजेस की आगे की चाल जो है वो निर्भर करेगी। तो अभी के लिए जो एनर्जी सेक्टर है वो थोड़ा सा प्रेशर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि नेचुरल गैस थोड़ा सा सस्टेन है उस स्तर पर। नेचुरल गैस भी ऊपर में एक बार लग रहा है कि 490 से 92 तक की अपसाइड में जा सकता है, वहां से उसमें भी करेक्शन आती हुई दिखाई दे रहा है। जी ये सिर्फ जी बेस मेटल्स में क्या लगता है आपको? बेस मेटल्स में भी देख रहे हैं कि ये एक सीमित दायरे में ही ट्रेड हो रहा है, तो बेस मेटल्स में ऐसे सिचुएशन में कमाई कैसे की जा सकती है? देखिए बेस मेटल में बाइक की रणनीति के तहत ही में जो है वो कमाई देखी जा सकती है, और कॉपर मुझे लगता है कि ऊपर में 828 में हो सकता है कि तेजी पकड़े, 828 से 840 अगले हफ्ते तक की रेंज जो है कॉपर में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो काफी ट्रेंड पॉजिटिव है, जिंक में भी तेजी दिखाई दे रही है, और जिंक के साथ साथ मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम और निकल ये भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो बेस मेटल्स में तो खरीदारी की तरफ रहना चाहिए। जी ये सिर्फ जी नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में आपको क्या लगता है? जिस हिसाब से हमने सर्दियों में डिमांड देखी थी, गर्मी में भी देखते हैं कि ठंडक के लिए गैस की जरूरत पड़ती है, और फिर पावर जनरेटर्स भी हैं जिनके लिए गैस की आवश्यकता होती है, तो इन सब के मद्देनजर नेचुरल गैस में जो उछाल आया है तो क्या ये अभी जारी रह सकता है आगे समर सीजन को देखते हुए? देखिए अभी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और अगर आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन देखा जाए तो थोड़ा सा बाजार पॉजिटिव है नेचुरल गैस का। अभी हम लगे रहे कि एक बार 490 से लेकर 492 तक एक बार मार्केट ऊपर में इंट्राडे में जाता हुआ दिखाई दे। जी रूपा जी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है नॉन एग्री कमोडिटीज के बाजार का, आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी? देखिए मुझे लगता है कि कॉपर में यहाँ से बाइंग करना चाहिए, कॉपर तेज जा सकता है, कॉपर के साथ साथ अभी जिंक में भी पॉजिटिव है मार्केट, तो ये दोनों कमोडिटी ऐसी है जो आगे चलकर तेजी में जा सकती है, और सोना चांदी इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आज प्रेशर में कारोबार करते हुए दिखाई दे। जी रूपा जी, आने वाले समय में आने वाले कारोबारी सप्ताह में नॉन एग्री कमोडिटीज का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए आने वाले सप्ताह में काफी कुछ डिपेंड करेगा अपडेट के ऊपर, अभी जो मार्केट का सिनेरियो है उस बेस पे अगर देखा जाए तो आने वाले सप्ताह में क्रूड में भी दबाव बना रह सकता है और सोना चांदी भी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिखाते दिखाई दे सकते हैं, जबकि बेस मेटल में मुझे लगता है कि निचले स्तरों से रिकवरी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।